इसराइल की मुसीबत बढ़ने वाली है क्योंकि ईरान का साथ दे रहा रूस अब अपनी शक्तिशाली हवाई वेपन यानी कि इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल ईरान को देने वाला है। अगर ये मिसाइल ईरान को मिल जाता है तो इसराइल तबाह हो जाएगा क्योंकि इसराइल के हवाई हथियार इसके आगे फेल है। इसके अलावा रूस ने ईरान को कई एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। रूस ने ये काम 15 साल बाद किया है। S-400 दुनिया का सबसे एडवांस एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। रूस ईरान को इसराइल पर हमला करने के लिए अपनी इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल भी दे रहा है। अगर ये मिसाइल ईरान हासिल कर लेता है तो इसराइल की हवाई सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इस मिसाइल का पूरा नाम है 9K720 इस्कंदर। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। रूस ने 2020 में पुरानी OTR-21 टुचका मिसाइल को हटाने के लिए इस मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया था। अभी इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस के अलावा आर्मेनिया, अल्जीरिया, बेलारूस कर रहे हैं। इस्कंदर मिसाइल की रेंज 400 से 500 किलोमीटर है। ये मिसाइल एक सेकंड में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है यानी कि 7285.32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुश्मन पर हमला करेगा। टारगेट को बचने का कोई चांस नहीं मिलता। ये कई तरह के नेगोशिएशन सिस्टम पर काम करता है जैसे कि इनर्शियल गाइडेंस, ऑप्टिकल डीएसमैक, टेरकॉम, GPS, ग्लोनास। इसकी क्यूरेसी रेट 1 से 30 मीटर है यानी टारगेट से कितनी भी दूर मिसाइल गिरे तबाही पूरी और खतरनाक होगी। वहीं इसराइल के खिलाफ ईरान की मदद के लिए रूस ने कई S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए हैं। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में राख कर देता है। S-400 से ईरान आसपास के बड़े इलाके पर नजर रख पाएगा। जैसे ही इसराइल के विमान या मिसाइल उसके आसमानी क्षेत्र में आएंगे या आने वाले होंगे, इस सिस्टम का रडार अलर्ट कर देगा, मिसाइल दाग देगा। S-400 की सबसे खास बात यह है कि कहीं भी मूव करना आसान है, इसीलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसे 8x8 के ट्रैक पर माउंट करते हैं। S-400 को नाटो द्वारा SA-21 ग्रोलर लॉन्च रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम है। S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं जिसमें रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। ये सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। मिडिल ईस्ट में भारी उथल पुथल के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान के राष्ट्रपति पेजेक्सियान से मुलाकात करेंगे। उनकी ये मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में होगी। कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए पुतिन ईरानी राष्ट्रपति से मिलेंगे। ये मुलाकात शुक्रवार को तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में होगी। हालांकि पुतिन का तुर्कमेनिस्तान का ये आधिकारिक दौरा होगा और इस दौरे के दौरान ही वो ईरानी समक्ष से मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन की इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।